अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रफीक खान हियर। ओके सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये आप लोग अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो भी आप लोग के लिए ये काम की चीज है, और अगर आप लोग 11th और 12th के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोग के फिजिक्स में ये काम आएगा। ठीक है, क्या होता है डिफॉर्मेशन, इसके कितने टाइप्स है और डिफॉर्मेशन कैसे काम होता है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का डिफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट या जो भी चीज रहेगी वो आप लोग की एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके अच्छे से और बुक और पेन लेके बैठिए, बिकॉज मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूँ कि मेरे वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो जो भी चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ उसको आप लोग को यू हैव टू नोट डाउन। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा, लिखोगे तभी आप लोग को समझेगा, आप लोग के माइंड में आएगा। मेरा कहना ये है कि अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख के जाओगे तो आप लोग का फायदा नहीं होगा इसके अंदर, आप लोग को लिखना भी है जो चीज यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके लिखो या फिर स्क्रीन शॉट कर लो, कभी बाद में लिख लेना, जो भी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन गाइस ये होता है ना कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ। अब वो फोर्स टेंसाइल फोर्स हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स हो सकता है। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होता है, ये हम लोग इसके बारे में हम दूसरा वीडियो भी मैं इसके ऊपर बना सकता हूँ, बट फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ क्या होता है टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स। देखो, फोर्स के दो टाइप है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, इसके डिफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, टेंसाइल का मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट को मुझे ना फोर्स से घसीटना है। ठीक है, अब या तो मैं दो कंडीशन में इसको डिफॉर्मेशन कर देता हूँ, या तो मैं इसको अंदर की तरफ ऐसा करूं या तो मैं इसको बाहर की तरफ ऐसा करूं, तो दोनों के केस में डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं अंदर की तरफ कर रहा हूं इसका मतलब कॉम्प्रेस कर रहा हूं, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाइड हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स। और वही अगर मैं इसको घसीटूंगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो उसको बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, ये सब लिख लो। ठीक है, या तो डायग्राम भी बना लो, अगर आप लोग को डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो। डायग्राम में क्या होगा, देखो ये दैट सपोज कोई ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इसको यहां से और इसको यहां से घसीट रहा हूं, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, और वही सेकेंड केस आप लोग के लिए बना देता हूं, अगर फोर्स ऐसा लग रहा है कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको, कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो इसको आप लोगों को लिखना है तो लिख लो, टेंसाइल फोर्स या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे तो अब उस ऑब्जेक्ट का अगर डायमेंशन या फिर शेप बोल लो अगर चेंज हो रहा है, डायमेंशन चेंज हो रहा मतलब शेप चेंज होगा। ठीक है, तो डायमेंशंस या फिर शेप चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉर्मेशन। समझ में आया? ठीक है, तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अगर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, वेदर इट इज टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव, खाली फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, तो अगर उस ऑब्जेक्ट का शेप या फिर डायमेंशन कह लो चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉर्मेशन, के भाई डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन का सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए लिखा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, द चेंज इन डायमेंशंस, यहाँ पे डायमेंशन शेप भी बोल सकते हो। ठीक है, द चेंज इन डायमेंशंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ मैटर, मैटर मतलब ज्यादातर हम लोग सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, मैटर अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो ये चेंज इन डायमेंशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, Under the action of applied force, मैंने force applied किया, is called as deformation. Simple definition. The change in dimensions of forms of matter under the actions of applied of force, force की वजह से ही हो रहा है, is called as deformation. तो I hope मैंने जो आप लोगों को बताया यहाँ पे deformation के बारे में, तो आप लोगों को समझाओ, कोई भी object के ऊपर force लगा रहे हो, whether it is tensile or compressive, उसको बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का शेप या फिर डायमेंशन कह लो चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन के दो टाइप्स है, डिफॉर्मेशन के कितने टाइप है, दो टाइप है, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है,
इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, क्या होता है ये तो आप लोग बताता हूँ। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, अब फोर्स लगाने के बाद अगर उसका डायमेंशन चेंज हो गया तो वो तो डिफॉर्मेशन हो गया। अब शेप चेंज होने के बाद अगर मैं जो फोर्स लगाया था वो फोर्स को मैंने हटा दिया, फोर्स जो मैं लगा रहा था जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है वो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब हटाने के बाद अगर वो जो शेप जो चेंज हुआ है, डायमेंशन जो चेंज हुआ है, वो फिर से अपना ओरिजिनल डायमेंशन पे आ जाए, मतलब जो पहले था, जो फोर्स लगाने से पहले था वो डायमेंशन या वो शेप में आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, फोर्स हटाने के बाद वो फिर से वैसी बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग के, आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो आप लोग के रिगार्डिंग में एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज फॉर क्लास है, ठीक है, या क्लासेस है, वहां पे टीचर्स आया, ठीक है, तो टीचर के सामने स्टूडेंट क्या हो जाते? एकदम ठीक हो जाते, मतलब एकदम ही शांत हो जाते, ठीक है। वैसे जैसे स्टूडेंट, जैसे टीचर चले जाते हैं, वैसे स्टूडेंट क्या हो जाते? फिर से अपना जो करते रहते वो फिर से अपना करते रहते, मस्ती मजाक जो भी है वो करते रहते, ठीक है। तो वो हम लोग क्या हो गया? जैसे पहले थे वैसे ही हो गए उसके जाने के बाद। मतलब टीचर को सपोज कर लो फोर्स है, वो टीचर को सपोज कर लो क्या है? फोर्स है, कि फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो वो चेंज हो जा रहे, लेकिन जैसे ही फोर्स चले आ रहा है वैसे ही वो फिर से वैसे ही हो जा रहे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसका भी डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछा, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूं मैंने, ठीक है। आई होप आप लोग को इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो मैं समझाया वो समझा, ठीक है। इट इज अ टेम्पररी, क्योंकि टेम्पररी है ना, बच्चे स्टूडेंट मस्ती कर रहे हैं, टेम्पररी है वो। अगर टीचर आ रहा है फिर चले आ रहा है तो फिर से वैसे हो जा रहे, मतलब वो टेम्पररी, परमानेंट बच्चे वैसे खामोश वाले बच्चे नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ टेम्पररी एंड आफ्टर रिमूविंग अप्लाइड लोड या फोर्स इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। वो फर्ट से अपने ओरिजिनल शेप पे आ जा रहा है, कब? जब मैं फोर्स को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। प्लास्टिक में अपोजिट होता है, प्लास्टिक में क्या होता है कि अगर मैं फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन हो रहा है, अब फोर्स को मैंने हटाया तो अब जो जैसा था वो वैसा नहीं होगा, फोर्स लगाने के बाद जो था वही रहेगा वो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट मस्ती कर रहे थे, अब टीचर्स आया मतलब फोर्स आया, ठीक है। फोर्स आने के बाद बच्चे क्या हो गए? शांत। अब टीचर जाने के बाद भी फिर भी वो क्या है? शांत है। तो वो हम लोग का जो कंडीशन हो गया वो हो गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या हो गया वो? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और उसको हम लोग बोल सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परमानेंट हो गया वो, अब वो चेंज नहीं हो सकता, अब जैसा पहले था वैसा नहीं हो सकता वो, क्योंकि मैंने फोर्स को इतना ज्यादा अप्लाई कर दिया कि अब जो पहले थे वो लोग वैसे नहीं हो गए, जैसा बन गया वैसा हो गया। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, अब वो उसका शेप चेंज हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, अब मैंने फोर्स को हटा दिया, फिर भी वो चेंज नहीं होगा, रिटर्न अपनी जगह पे नहीं आएगा, वो जैसा हो गया वैसा हो गया, चेंज हो गया शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इट इज अ परमानेंट इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो मैंने आप लोग को डिफॉर्मेशन बताया और उसके टाइप्स बताया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इनके एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखो अच्छे से डेफिनेशन और उसके टाइप्स, ठीक है। नाउ अभी हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन करके मैं यहाँ पे लिखूंगा, ताकि आप लोग को अगर दो मार्क के लिए डिफरेंस बिटवीन पूछे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस बताओ तो आप लोग लिख सकते हो। और अगर डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछा, एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ जाए कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस जो आप लोग याद किए चार पॉइंट वो वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। ओके, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इलास्टिक डिफॉर्मेशन का चार पॉइंट लिखा हो और यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का चार पॉइंट, एक्चुअली में तीन पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो है अपना डायग्राम है, ठीक है। तो आप लोग को शॉर्ट नोट के लिए भी कभी पूछ दिया सेपरेट क्वेश्चन इलास्टिक डिफॉर्मेशन या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो ये चार पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बीच में, तो ये आप लोग चार चार पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मैं ग्राफ से बोल रहा हूँ, हाँ ग्राफ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो क्या रहता है? एक्स और वाई रहता है, ठीक है।
इसको हम लोग देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से देखेंगे। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किससे समझेंगे हम लोग, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से समझेंगे। अब व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन, इसका मैं अलग से टॉपिक बना के वीडियो डाल सकता हूँ, बट अभी यहाँ पे समझाने के लिए तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है मालूम, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि देखो स्ट्रेस ये नाम बता रहे हैं ठीक है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया में लग रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन ये होता है ना कि जब कोई डायमेंशन चेंज होता है तो वहां पे स्ट्रेन आता है, उसको क्या बोलते हैं ना स्ट्रेन, मतलब लेट सपोज करो चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब चेंज इन डायमेंशन में लेंथ भी हो सकता है, चेंज इन लेंथ हो रहा है, अगर मैं किसी को घसीट रहा हूं, कुछ चीज घसीट रहा हूं, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ठीक है, तो उसको बोलेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं ठीक है। इसका हम लोग अलग से टॉपिक देखेंगे ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, जो चेंज होता है लेंथ रहो वॉल्यूम रहने दो या फिर कोई भी चीज कुछ चेंज होता है डायमेंशन में तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है नाम बता रहे हैं आप लोग को ठीक है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम लोग समझेंगे बाद में। यहाँ पे देखो फोर्स ही समझ को लो, अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेस समझने के लिए हम लोग को ये ग्राफ समझने के लिए लेट सपोज करो स्ट्रेस क्या फोर्स ही समझ सपोज कर लो, ऐसा होता नहीं फोर्स लेकिन सपोज कर लो ठीक है। देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे चालू, देखो यहाँ से चालू करो ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स वेदर इट इज टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव कोई भी फोर्स ले लो, फोर्स मैं लगा रहा हूँ ठीक है। देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस मतलब फोर्स बढ़ रहा है ठीक है, देखो देखो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर यहाँ पे आते 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 यहाँ पे ना यहाँ पे इलास्टिक रीजन जो अपना रहता है वो खत्म हो जाता है, इलास्टिक रीजन क्या हो जाता है अपना खत्म हो जाता है ठीक है। अब यहां से आगे अगर वो बढ़ा तो वो हमारा चल जाएगा प्लास्टिक रीजन में, प्लास्टिक रीजन में समझ में आया क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा यहां तक ग्राफ आया, तो यहाँ पे वो इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन मतलब कि अगर मैंने फोर्स को यहाँ पे मैंने अगर फोर्स को हटाया तो वो रिटर्न अपने शेप में आ सकता है जैसा पहला था वैसा हो सकता है, लेकिन अगर मैंने यहां से आगे आगे चला गया यहाँ पे चला गया या यहाँ पे कहीं पे भी चला गया ठीक है, तो वहां पे हम लोग का जो शेप जो रहेगा वो अब रिटर्न जैसा पहले था वैसा नहीं होगा, उसका शेप चेंज परमानेंट के लिए हो जाएगा, फोर्स लगाने के बाद जो शेप बना वो परमानेंट हो जाएगा, अब वो फिर से अपना रीगेन शेप नहीं कर सकता जैसा एकदम पहले था वैसा नहीं हो सकता वो ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं प्लास्टिक रीजन और इसको क्या बोलते हैं इलास्टिक रीजन, आप लोग को मैंने ग्राफ से बताया ठीक है। ये ग्राफ आप लोग प्रैक्टिकल भी करोगे, आप लोग अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो मैकेनिकल के खास करके, तो मैकेनिकल का क्योंकि मैंने भी किया हूँ ये प्रैक्टिकल तो मुझे ये याद है ठीक है। तो आप लोग का एक सेटअप रहेगा, कुछ UTS नाम है उस मशीन का, यूनिफॉर्म टेस्टिंग मशीन ऐसा कुछ तो नाम है मुझे अभी मालूम नहीं, तो मशीन रहेगी, उस मशीन में आप लोग को वुड या फिर रॉड को आप लोग को डालना है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है, अब फोर्स अप्लाई करने पे आप लोग को वहां पे एक PC रहेगा लैपटॉप रहेगा वहां पे ये ग्राफ दिखाएगा ठीक है, वो कुछ सेटिंग रहता है वो सर लोग करते ठीक है, तो वहां पे ये ग्राफ बताएगा जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते आएंगे हम लोग उसके ऊपर वैसे वैसे यहाँ पे ग्राफ बढ़ते जाएगा ठीक है। तो यहाँ तक आया तो आप लोग अगर मशीन को रोक देंगे तो वो जैसा था वैसा पहले ही ऐसा हो जाएगा क्योंकि आपने फोर्स हटा दिया ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूस फोर्स बढ़ाते आ रहे तो वहां पे फिर ये चल जाएगा प्लास्टिक, मतलब जो रॉड या फिर वुड को अगर खसीटोगे तो फौरन टूट जाएगा, तो वो प्लास्टिक रीजन में, देखो वुड जो रहेगा ना अपना प्लास्टिक रीजन में नहीं जाएगा, बिकॉज अगर मैं उसको घसीटूंगा फोर्स से ठीक है तो इलास्टिक रीजन तक गया, यहां तक गया, अब और मैं लगाऊंगा ना तो वो टूट जाएगा, वो फिर और एक्सटेंड नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, कभी लकड़ी को कभी आप लोग ऐसा घसीटो तो क्या लकड़ी क्या बड़ी होती क्या, नहीं टूट जाती, फौरन क्या हो जाती टूट जाती। वही अगर आप लोग रॉड लो, रॉड को घसीटो तो रॉड के घसीटने से रॉड का डायमीटर जो रहता है वो क्या होता है पतला होते जाता है, क्या होता है पतला, मतलब वो एकदम पतला होता है, लंबा होते जाता है, लेकिन टूटता नहीं है, टूटता एट द एंड में, टूटता कहां पे एट द एंड, एकदम ही पतला हो जाएगा तब जाएंगे क्या हो जाएगा वो टूट जाएगा, लेकिन लकड़ी क्या होती है वो पतली नहीं होती, वो अगर आप लोग ने इलास्टिक रीजन से बाहर गए तो सीधा टूट जाएगी वो, क्योंकि लकड़ी है ना वो वुड है, तो इट इज अ ब्रिटल मटेरियल ठीक है, इट इज अ ब्रिटल मटेरियल। और प्लास्टिक जो रहता है, प्लास्टिक रीजन का कोई भी मटेरियल जो रहता है वो होता है अपना डक्टाइल, फॉर एग्जाम्पल मेटल क्या होता है अपना वो डक्टाइल ठीक है,
टैक्टाइल ऑर्बिटल के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, वुड ये अपना एग्जांपल हो गया, इलास्टिक के लिए या प्लास्टिक के लिए अपना एग्जांपल हो गया, कोई भी मेटल कोई भी रॉड, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उसको एक्शन करूंगा तो प्लास्टिक रीजन में मतलब वो ठीक है उसकी डायमीटर जो रहता है वो कम होते जाता है, कम होते जाता है मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और वो उसका अगर मैं फोर्स हटा दूं फिर भी वो पतला ही रहेगा, वो मोटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब मैंने इलास्टिक रीजन के बाहर आ गया, इलास्टिक रीजन के जब बाहर आ जाते तो प्लास्टिक रीजन होता है, मतलब कि वो रिटर्न अपनी जगह पे नहीं आएगा, जैसा हो गया वैसे ही फिर रहेगा वो, ठीक है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग को आई होप समझा, अगर नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग बार बार देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आप लोग को फिर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट आई होप आप लोग को समझा होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहते हैं, इट अपियर्स व्हेनेवर द लोड इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कब दिखाई देता है, जब हम कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी सेम ये कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपियर्स होता है, लेकिन जब हम फोर्स निकाल भी लेते ना तो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखता है, लेकिन इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को फोर्स हटाएंगे तो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, तो डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई करोगे तो ही इलास्टिक डिफॉर्मेशन दिखेगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या है, दोनों केस में फोर्स अप्लाई करो चाहे फोर्स निकाल दो तो भी वो डिफॉर्मेशन आप लोग को दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो इट अपियर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड ऑल्सो यहाँ पे लिखा, ठीक है, खाली लोड हटाने के बाद ही ये नहीं दिखेगा, ऑल्सो मतलब अगर फोर्स लगा हुआ है तो भी दिखेगा डिफॉर्मेशन, फोर्स हटा दोगे तो भी डिफॉर्मेशन दिखेगा, बिकॉज इट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है जो हम लोग ने डेफिनेशन पढ़े, इट इज अ टेम्पररी और इट इज अ परमानेंट, है ना, ठीक है। टेम्पररी वो मैंने फोर्स लगाया हटाया वैसे हो गया, परमानेंट में क्या है, फोर्स लगाया फिर हटाया नहीं, अब वो चेंज नहीं होगा, जैसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इट इज द थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे इट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ डिफॉर्मेशन। ये क्या है, देखो ये जो हम लोग का जो इलास्टिक रीजन जो है वो कहाँ पे है, शुरुआत में है ना, ये ग्राफ किस में है, शुरुआत में है, तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, डिफॉर्मेशन दोनों केस में होगा, ठीक है। तो ये बिगिनिंग पॉइंट है, ये बिगिनिंग रीजन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इट टेक्स प्लेस आफ्टर द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जो अपना प्लास्टिक रीजन जो रहता है वो कहां कब आता है, जब हमारा इलास्टिक रीजन खत्म हो जाता है उसके बाद क्या आता है, अपना प्लास्टिक रीजन। तो ये डिफरेंस बिटवीन जो आप लोग को मैंने पढ़ाया और जो डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसका ग्राफ जो आप लोग को मैं समझाया, आई होप आप लोग को समझाओ, और अगर समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे एक लाल बटन दिया रहेगा उसको दबाइए और बस सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक भी पहुंचे ये वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।